फ्रेंड्स वेलकम बैक, आई एम नेहा सिंह, फिजिक्स लेक्चर। फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मोशन विच इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फ्रेंड्स सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज गवर्न्स किए थे, कुछ लॉज दिए थे जिन्हें कहते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन लॉज में फ्रेंड्स न्यूटन ने जो फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इन सब को डिस्क्राइब किया है। अगर ये लॉज ना होते तो हम फोर्स को एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन और इन द रेस्ट, इट विल रिमेन इन देयर ओरिजिनल स्टेट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। मीन्स फ्रेंड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और कब तक रहेगा, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सपोज करो फ्रेंड्स ये बोर्ड है, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, और कब तक रहेगा, चाहे से हजारों साल गुजर जाएं, 10 साल गुजर जाएं, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 डेज, कितनी भी सदियां गुजर जाएं, ये रेस्ट में ही रहेगा, और कब तक रहेगा, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। और फ्रेंड्स अगर जैसे कि ये डस्टर है, अब ये रेस्ट में ही रहेगा, जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मोशन में आता है। ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और कब तक रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स अपने हम डेली जो रूटीन है उसमें एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फुटबॉल है, अगर उसको हमने ग्राउंड पे रोल किया है तो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद फुटबॉल रुक जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फुटबॉल का सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बिटवीन अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये फुटबॉल इन्फिनिटी तक रोल करती रहेगी, मींस इन्फिनिटी तक मोशन में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जड़त्व का नियम। फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। मीन्स फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन डिफाइन करता है। एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटिव फार्मूला फॉर फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के लिए हमें फार्मूला प्रोवाइड कराता है। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द नेचर ऑफ द फोर्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि फोर्स किस नेचर का है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इन सब के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जितने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये फोर्स को एग्जैक्टली डिफाइन डिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।